चरण की वोटिंग की समाप्ति हो चुकी है। दूसरे राउंड में बिहार की 5 लोकसभा सीट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में लोगों ने मतदान किया है। मतदान खत्म होने के बाद दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान प्रतिशत की अगर बात कर ली तो शाम 6 बजे तक पूर्णिया में 59.94% मतदान हुए, भागलपुर में 51% मतदान हुए, कटिहार में 64.6% मतदान हुए, बांका में 54% मतदान हुए और किशनगंज में 64% मतदान हुए हैं। दूसरे चरण में अब तक 58.58% मतदान हुए और पिछले चुनाव में यानी कि साल 2019 की बात करें तो 62.92% वोटिंग हुई थी। इस बार मतदान फीसद प्रतिशत की बात कर लें, मताधिकारियों की बात कर लें तो वो 4% तक कम हुआ है। लोगों का 5 संसदीय क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, इसमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या था 9322। 6 बजे तक जो अनुमानित है उस वोटिंग परसेंटेज है 58.58। 6 बजे तक लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो गई है। बिहार की जो 5 सीटें थी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, जहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले 4% कम वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने लाख कोशिश की थी ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए, बावजूद इसके इस बार भी 4% कम मतदान हुए हैं। पहले चरण में भी 5% कम वोटिंग हुई थी और इस बार भी 4% कम मतदान हुए हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में 62.92% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 4% कम यानी 58.58% मतदान हुए हैं, जो चिंता का विषय है। पहले चरण में भी 5% कम मतदान हुए थे और दूसरे चरण में भी 4% कम वोटिंग हुई है। हालांकि अब कोशिश की जा रही है कि तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो मतदान प्रतिशत क्या कुछ रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाएंगे और पूरी जानकारी देंगे एक एक क्षेत्र की। तो बिहार में कुल मतदाताओं ने जो आज मतदान किए हैं उनकी संख्या 58.58% है और वहीं 2019 में 62.92%। 5 लोकसभा क्षेत्र उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। किशनगंज में 2024 में 64% है, वहीं 2019 में 66.38% है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र भी आपको लिए चलते हैं, वहां पर आज मतदाताओं का जो प्रतिशत रहा वो 64.6% रहा है, वहीं 2019 में यह आंकड़ा था 67.6% का। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का भी जो प्रतिशत रहा वो भी हम आपको दिखाते हैं। आज की बात कर ले यानी साल 2024 की तो 59.94% और 2019 में यह आंकड़ा था 65.37%। भागलपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर आज सबसे कम लोगों ने मतदान किया है, 51% महज लोगों ने ही आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 2019 में 57.16% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बांका लोकसभा क्षेत्र 2024 54% और 2019 में 58.6% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बढ़ते हैं आगे, पूर्णिया में मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को सील कर